नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यशवी न्यूज अपडेट्स पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक चयन परीक्षा पर 2021 के आयोजन निम्न समय सारणी निर्धारित की जाती है। यहाँ पे आप देखते हैं कि पहले जो इसका एग्ज़ाम था 18/4/2021 को डिसाइड किया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं 18/4/2021 को डिसाइड किया गया था और इसका पेपर भी बन गया था, लेकिन कोरोना के चलते इस पेपर को कैंसिल करना पड़ा और विगत फिर मई में इसका एग्ज़ाम डेट रखा गया, लेकिन मई में भी पंचायत चुनाव को देखते हुए इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया। इसके बाद फिर सरकार 10 अक्टूबर को इसकी परीक्षा आयोजित करने वाली थी। पीएनपी ने शासन को भेजा, लेकिन प्रस्ताव 10 अक्टूबर को पास नहीं हो पाया। लेकिन फिर पीएनपी ने शासन को अक्टूबर में फिर प्रस्ताव भेजा और अक्टूबर में जो प्रस्ताव भेजा 17 अक्टूबर को, वो शासन ने 17 अक्टूबर को पीएनपी की बात मान के 17 अक्टूबर की अपनी मुहर लगा दी और इस तरीके से 17 अक्टूबर को जूनियर हाई स्कूल एग्ज़ाम जो है वो सुनिश्चित हो गया कि 17 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेसक आरबी सिंह से सचिव सेवा में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी तो प्रयागराज यानी शासन स्तर से यहाँ पे जो लेटर आया है, आज के डेट यहाँ देख सकते हैं 2 सितंबर की यहाँ पे डेट लिखी हुई है और विषय जो है प्रदेश के अशासकीय सहायता अपराध जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में दिया गया 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कार्यक्रम, जिसके द्वारा जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 से समय सारणी निगल कराए जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के संदर्भ में सूचित है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के दृष्टिकर शासनादेश संख्या 308/3-2021 दिनांक 6/4/2021 द्वारा प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक रिक्त पदों पर भर्ती है दिनांक 18/4 को आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा स्थगित की गई थी। यानी यहाँ पे दिया है कि परीक्षा जो है स्थगित की गई थी। तो उपलब्ध कराए गए प्रस्तावानुसार जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक चयन परीक्षा पर 2021 के आयोजन निम्न समय सारणी निर्धारित की जाती है। आइए आप यहाँ देख सकते हैं इसके ऊपर डिटेल में जो दिया गया है कि मंडल स्तर पर समिति द्वारा परीक्षा केंद्र जो है 10/9 को है। केंद्रों की सॉफ्ट कॉपी NIC को प्रेषित करने की जो तारीख है वो 15 सितंबर। इन प्रवेश पत्र वेबसाइट पर लोड करने की तिथि और समाचार पत्रों में लोड होने की सूचना की प्रगति 5 अक्टूबर और फिर NIC लखनऊ द्वारा उपस्थित पत्रक प्राप्त कराने की तिथि 8/10/2021 यानी 8 अक्टूबर और फिर अभ्यर्थियों के स्कैन की हुई फोटो युक्त उपस्थिति पत्रक केंद्र व्यवस्थापक को प्राप्त करने की जो तिथि है वो 12 अक्टूबर है। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इसका स्टार्टिंग है 10 सितंबर से आपका मंडल स्तर पर कार्यक्रम चालू हो जाएगा, फिर केंद्र की सॉफ्ट कॉपी 15 सितंबर और फिर प्रवेश पत्र जो है उसका कार्यक्रम 5 अक्टूबर से, फिर उपस्थिति पत्रक 8 अक्टूबर, स्कैन की हुई उपस्थिति 12 अक्टूबर और आगे उसके बाद देखते हैं कि डबल लॉक में रखने हुए प्रवेश पत्र एवं OMR सीट जनपद मुख्यालय पर भेजने की तिथि जो है वो 13 अक्टूबर यहाँ पे दिख रहा है। यानी जो डबल लॉक में रखने हैं प्रश्न पत्र, जो प्रश्न पत्र होता है डबल लॉक में रखा जाता है और OMR जो तुरपुस्तिका होती है वो जनपद मुख्यालय पर 13 अक्टूबर को जाएगा। यानी 13 अक्टूबर पे जनपद मुख्यालय पे पहुँच जाएगा OMR और आपकी उत्तर जो बुकलेट होती है क्वेश्चन बुकलेट। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है आप यहाँ देख सकते हैं जो परीक्षा की तिथि है, परीक्षा की तिथि यहाँ साफ साफ दिख रही है आपको 17/10/2021 यानी 17 अक्टूबर 2021 और दोनों का जो सहायक अध्यापक है उसका जो टाइमिंग है वो 10 से 12 बजे है और उसके बाद प्रधानाध्यापक पद हेतु द्वितीय प्रश्न पत्र समय 2 से 3 बजे। यानी कि जो पहला पेपर होगा वो प्रथम पाली की 10 से 12 है, 10 से 12 जो पाली का पेपर है वो सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों के लिए है। बस अंतर इतना है कि जो प्रधानाध्यापक का एग्ज़ाम देगा उसके लिए एक अलग से पेपर होगा, उसका पेपर 1 घंटे का 2 से 3 बजे तक होगा। यानी कि सहायक अध्यापक प्रधानाचार्य का जो पहला पेपर है दोनों सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और दूसरा जो पेपर है प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल के लिए वो एक पेपर अलग से 2 से 3 बजे होगा, यानी कि उनके अलग से 1 घंटे की पेपर होगी। इसके बाद आप यहाँ देखते हैं कि परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं या OMR सीट के सील्ड बंडल सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में प्राप्त कराने की अंतिम तिथि जो है वो यहाँ पे 19 तारीख है इसकी,
लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तरमाला जो वेबसाइट जारी होगी वो 21 अक्टूबर 21 2021 दे सकते हैं। और इसके बाद वेबसाइट पर जारी उत्तरमाला पर ऑनलाइन आपत्ति यानी कोई क्वेश्चन गलत है उसकी आपत्ति करनी है तो दिनांक आपका 25 अक्टूबर से है। प्राप्त आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ समिति गठित करके उसके निराकरण की करने की तिथि यानी जो आप आपत्ति दिखाएंगे कि क्वेश्चन गलत है उस पर आयोग अपना विशेषज्ञ समिति गठित करके उसका जो निराकरण करेगा वो 8/11 यानी 8 नवंबर। इसके बाद आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन करके उसे वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि 10/11 यानी 10 नवंबर को आयोग जो री एंसर की होगी या संशोधित उत्तरमाला होगी वो दे देगी 10 नवंबर को। और फिर विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट को सम्मिलित करते हुए संशोधित उत्तरमाला के अनुसार मूल्यांकन करके परीक्षा फल घोषित करने की जो तिथि है वो आपका 12/11 है 12 नवंबर 2021 यानी 12 नवंबर 2021 को आपका जो है रिजल्ट वो घोषित हो जाएगा। इस संबंध में मुझे यह कहने का उद्देश्य दिया निर्देश दिया हुआ है कि कृपया साधन आदेश संख्या 46/67 के क्रम में शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कर जाने के संबंध में उक्त निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है आरवी सिंह विशेष सचिव हैं इनका है। तो इस तरीके से 17 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम है कन्फर्म हो गया है। कई दिनों से प्रतिभागी छात्र परेशान थे कि एग्ज़ाम डेट कब होगी कब नहीं। अभी इसके पहले रजत सिंह जो डीएलएड के जो अध्यक्ष हैं वो बात किए थे परीक्षा नियामक सचिव से फ़ोन पे। उन्होंने बताया था कि 17 अक्टूबर को हमने शासन सर भेजा है, यदि शासन की मंजूरी मिल जाती है तो 17 अक्टूबर पेपर हो जाएगा। तो उस समय जो न्यूज़ थी वो बस वार्तालाप थी, उस पर मोहर नहीं लगी थी। लेकिन अब जो न्यूज है ये कन्फर्म हो गई कि परीक्षा 17 अक्टूबर को क्लियर हो गई। और ये डेट है जो आज की डेट यहाँ आप देख ही सक रहे हैं कि आज की न्यूज है। इस तरह के जो प्रतियोगी छात्र फार्म भरे हैं और जिनका यदि कहीं हो गया हो एलटी या जूनियर में प्राइमरी में किसी में हो गया टीजी 2016 में माध्यमिक में तो इसका एग्ज़ाम न दें। और जो बच्चे बचे हैं जो प्रतिशत बचे हैं वो अपना एग्ज़ाम दे के इसमें अपना एक शीट सुनिश्चित करें। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।